नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए सियासी उलटफेर के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के भी लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अब सुपरसभा अध्यक्ष ओपी राजवन ने बयान दिया है। ओपी राजवन ने भविष्यवाणी करते हुए कही है कि महाराष्ट्र ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बड़ो हेरफेर होने वाला है और सपा के कई विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। ओपी राजवन ने कही है कि महाराष्ट्र ही नहीं यूपी में भी बड़ी हेरफेर होने वाली है। सपा के कई विधायक और सांसद दल छोड़कर कछु सरकार के विस्तार में शामिल होने चाह रहे हैं। कछु हैं जो लोकसभा टिकट चाह रहे हैं और वे दिल्ली तक अपनो जुगाड़ बिठाने में लगे हुए हैं। राजवन ने दावा करो है कि विधायक और सांसद अखिलेश यादव के रवैया से नाराज है। ओपी राजवन ने कही है कि यही लखनऊ में मुस्लिम चार खेमे में बट गए हैं। अब मुसलमान भाजपा को भी वोट दे रहे हैं, बसपा सुप्रीमो को भी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दे रहे हैं और जब आप नौकरी बांटोगे तब मुस्लिमों को नहीं दोगे, यह बात को लेकर हर वर्ग नाराज है। कांग्रेस भी चाह रही है कि मायावती को मोर्चे में शामिल करो जा। ओपी राजवन ने कही है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जाने वाला है। समाजवादी पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ गए, यूपी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये बड़ी बात बोली है उन्होंने। सपा सांसद अखिलेश यादव के नाराज हैं, उन्हें सपा में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। सपा नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह है कि अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिलने जा सके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती से नहीं है रही है। राजवन ने कही है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और मायावती गेम चेंजर है। अगर मायावती जी तैयार हो तो मैं उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हूं। कांग्रेस भी यही चाह रही है कि 2024 में हम एक नया और बिल्कुल नया मोर्चा बनते हुए देख रहे हैं। दरअसल में ओम प्रकाश राजभर लगातार उनके बयान आप सुनोगे, जितने भी बयान सुनोगे पिछले दो चार महीना के, उन बयानों में यही बात दोहराते जा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को वो मोर्चा में क्यों शामिल नहीं कर रहे, बसपा सुप्रीमो को मोर्चा में शामिल क्यों नहीं कर रहे, बसपा सुप्रीमो को आगे क्यों नहीं ला रहे, उनते क्यों नहीं मिल रहे, उनते ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर वो ना आने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद को दावेदार क्यों नहीं घोषित कर रहे। ओम प्रकाश राजभर लगातार यही बात उठा रहे। अब इनके अंदर और बाहर क्या है ये तो कहीं जाने, लेकिन कह वो बराबर रहे। और अब तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे कि जी सपा के कछु विधायक मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले, अब की हमें कितनी सच्चाई है ना है, ये तो सब आने वाले समय में सामने आ जाएगी, लेकिन वो बसपा सुप्रीमो मायावती को नाम बार बार ले रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन में शामिल हो तो पूरे देश, उत्तर प्रदेश की तो बात ही खत्म करो, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ो वोट बैंक विपक्षी पार्टी इनको एकजुट है जाओ, ये बात बिल्कुल निश्चित है। लेकिन ऐसा है पावेगो नहीं है पावेगो ये तो आने वालों वक्त ही बता पाओ। लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि अगर ऐसा हो तो कितनों बढ़िया साबित होगो और अगर ना हो तो कितनों नुकसान होगो। हम आपके कमेंट को इंतजार कर रहे हैं और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ तेजी देख बगैर ब्रेक बगैर लाइन अपडेट बिल्कुल तेजी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।